नमस्कार दोस्तों, आप सभी का औषधि एंड हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इट्रोडर्म ओसी क्रीम के बारे में। यह जो क्रीम है किन रोगों में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें जो है कौन सा कंटेंट यूज किया गया है, इसे कितना लगाना है, कैसे लगाना है, आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और दवा से संबंधित जानकारी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इट्रोडर्म ओसी क्रीम आपको 15 ग्राम में मिलेगा एक ट्यूब में, और इसमें जो है इट्राकोनाजोल, ओफ्लाक्सासिन, ओरिंडाजोल, क्लोवेटासोल, ये सब कंटेंट इसमें यूज किए गए हैं। यह जो दवा है दोस्तों, एंटी फंगल, डर्मेटाइटिस, स्किन इन्फ्लामेशन, यह जो है एक फंगल इन्फेक्शन की दवा है जो कि दांत खाज खुजली में इस्तेमाल होता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी दांत खाज खुजली हो गया हो, या एथलीट फुट की समस्या हो, सोराइसिस की समस्या हो, जांघों में जो है इन्फेक्शन हो गया हो, फंगल वेजाइनल इन्फेक्शन हो, पेनिस इन्फेक्शन हो, इन सब बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा को आप किसी अच्छे स्किन के डॉक्टर के सलाह लेने के बाद ही आप इस क्रीम का इस्तेमाल करें। जहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ हो आप वहाँ पर इस क्रीम को लगाएं। आप इसे दिन में दो बार लगा सकते हैं, सुबह शाम, और डॉक्टर से सलाह ले लें।